दोस्तों जब भी हमारा डाइजेशन खराब होता है या हम बाहर अगर बाहर का खाना खाते हैं तो उस समय हम प्रॉपर रूप से डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से हमारी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। तो ऐसे में हमारे शरीर में न्यूट्रिशन तथा मिनरल्स की कमी हो जाती है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर में विटामिन तथा मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की ताकत कम हो जाती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपके शरीर की ताकत को बढ़ा देगी। दोस्तों ये मेडिसिन आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगी और आपके शरीर की ताकत को बढ़ाएगी। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं ये मेडिसिन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बॉडी में जब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उस समय हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हमारे शरीर में कमजोरी तथा थकान महसूस होने लगती है, इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, आपको डिजीनेस महसूस होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आपके बाल कमजोर होने लग जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून का कलर चेंज हो जाता है, विटामिन B12 की कमी के कारण मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं, हाथ पैर में नमनेस आने लगती है, हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगती है, जलन होने लगती है, लो विजन होने लगता है यानी कि आंखें कमजोर होने लगती है, आंखों से कम दिखाई देता है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले अच्छे से डाइट ले, एक्सरसाइज करें और एक अच्छा सा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए आप सप्लीमेंट के रूप में बिकोमैक्स C4 टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं। बिकोमैक्स C4 टेबलेट को एवोट कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो 15 टेबलेट आपको 58 रुपए के लगभग मिल जाती है। ये टेबलेट एक प्रकार की न्यूट्रिशन मेडिसिन है। इस टेबलेट के अंदर जितनी भी चीजें मिलाई जाती है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को दूर करती है और जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम है उनको भी दूर करती है। इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करते हैं यानी कि इस टेबलेट में क्या क्या मिलाया जाता है। तो इस टेबलेट में एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन, मैग्नेस, सेलेनियम, जिंक, फोलिक एसिड ये सभी मिलाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है और फायदेमंद होती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या यूज है और इसको लेने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो इस टेबलेट को लेने पर आपकी बॉडी पर जो इन्फ्लेमेशन है उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि जो आपकी बॉडी पर सूजन आ जाती है उस समस्या को दूर करती है और साथ में जो आपकी कील मुहासे हैं, फोड़े फुंसी है, उस समस्या को भी दूर करती है। ये टेबलेट आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करती है, हड्डी की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मांसपेशी के क्रैम्प को रिलीफ करती है, ब्लड काउंट को बढ़ाती है, हेयर तथा स्किन की हेल्थ को मेंटेन करती है। साथ में ये टेबलेट आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करती है। तो इस टेबलेट को लेने पर इस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और उसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट रोज रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है और इसे हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को मिनिमम 15 दिन से लगाकर 30 दिन तक लिया जा सकता है। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस टेबलेट से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होता है तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें, अच्छे से डाइट लें और एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिकोमैक्स C4 टेबलेट के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।